नमस्ते, संगीता खुराना की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसकी एक गरम गरम सौगात एक डिश के रूप में मैं आपके लिए लाई हूँ, टमाटो सूप। चलिए बनाते हैं। ये देखिए टमाटो हैं, मैंने ये बॉम्बे वाले टमाटो हैं, इनको अराउंड मैंने 2 किलो के करीब लिया हुआ है और आराम से ये खूब सारा बन जाता है। अब इनको मैं मोटा मोटा काट रही हूँ, इनको मैंने वॉश पहले कर लिया, अब मोटा मोटा काट रही हूँ। ये देखिए मैंने टमाटो मोटे मोटे काट लिए, अब इनको प्रेशर कुकर में डालकर इनको उबालना है। ये देखिए मेरा 5 लीटर का कुकर ऊपर तक भर गया है। एक्चुअली मैंने ये मोटे मोटे काटे हैं। अब ये 250 ग्राम के करीब प्याज है, ये भी इसी के साथ डाल दूंगी मैं। और जो सामान डालना है ये है गार्लिक, ये भी सारा मैंने सामान उबलने के लिए इकट्ठा ही डाल देना है। गार्लिक, जिंजर, साथ में है लौंग, दालचीनी और साबुत काली मिर्च, 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत जीरा और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1.25 के करीब नमक। और साथ में डाल रही हूँ मैं ये 3 चम्मच है चीनी। सारा सामान मैंने इकट्ठा डाल दिया और ये 3/4 कप पानी है, ये इसी के ऊपर डाल दिए और अब इसको मैं बंद करके विसल दिलवाऊंगी। ये देखिए मैंने गैस चला दी, अब इसको बंद करके हाई फ्लेम पे मैं इसको एक विसल तक वेट करूंगी और उसके बाद स्लो कर दूंगी 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। ये देखिए मेरे टमाटो उबल गए हैं, अब मैं इनको, इसमें से धुआं भी निकल रहा है, अब मैं इनको ठंडा करके मिक्सी में इनको पीसूंगी। ये देखिए अब मैं मिक्सी में इसको पीसने लगी हूं। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा पल्प मैंने पीस लिया, अब इसको मैं छान रही हूं। ये बड़ा हेल्दी ऑप्शन है टमाटो सूप का, इसमें मैंने कोई मैदा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सब कुछ इसमें वेजिटेबल्स, प्याज वगैरह है। ये देखिए मैंने छन्नी के साथ छान दिया इसको, ये इसमें टमाटो के बीज, बाकी जो एक्स्ट्रा सामान है इसके छिलके वगैरह ये सारे निकल गए हैं, ये अब मैं फेंक दूंगी इसमें। और ये देखो एक गाढ़ी पेस्ट है, अब इसको मैं जितना हमारे को रिक्वायर्ड है इसमें अकॉर्डिंगली मैं पानी डालूंगी। अब मेरे को इसको 4 जनों को अगर सूप को सर्व करना है तो उसमें मैं जितने गाढ़ा ये है इसके हिसाब से मैं 2 कटोरी पानी और डाल के इसको बॉईल करूंगी। ये देखिए अब ये गाढ़ी पेस्ट है, इसमें मैं 4 जनों को सर्व करने के लिए इसमें मैं डालूंगी पानी, पर पानी डाल के इसको उबालना है। अब इसमें मैं 1.5 कटोरी पानी, 1.5 कप वाटर डाल रही हूँ, 1.5 कटोरी पानी डाल रही हूँ, बाकी अकॉर्डिंगली आपको जितना रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से डाल सकते हो।
इसको गाढ़ा करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही काफी गाढ़ा है और इसमें कोई मैंने एडिशनल कलर नहीं डाला। जो टोमेटो का कलर है वही है, ओरिजिनल है सब कुछ। 1.5 कप मैंने पानी डाल दिए, आप अकॉर्डिंगली। इसमें मैंने चीनी भी डाली हुई है, वैसे ये बॉम्बे के टोमेटो खुद में ही मीठे होते हैं और अगर देसी टमाटर के बनाओगे तो वो थोड़ा सा पीला सा बनेगा और साथ में गाढ़ा भी नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा मीठा बनेगा। अब इसमें मैं नमक और काली मिर्च डाली, नमक मीठा तो ये है ही है 1/4 टीस्पून और थोड़ी सी टेस्ट बढ़ाने के लिए 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च। और पानी जब बॉईल आएगा बस ये रेडी है। ये देखिए मेरा सूप गाढ़ा हो गया, अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और इट इज रेडी टू सर्व। इसका कलर भी कितना सुंदर आया। ये देखिए कितना अच्छा ब्राइट कलर आया है, टमाटो रेड कलर, और ये गाढ़ा भी खूब है। इतनी सर्दी में फटाफट पीने का मन कर रहा है तो अब मैं सर्व करने लगी हूँ। ये देखिए ऊपर से मैं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ सजा रही हूँ। ये इतना ब्राइट और सुंदर है कि भाग के खाने को मन कर रहा है। आप भी इसको अपने किचन में ट्राई करें और पीकर इसको टेस्ट करके बताइए कि बनने में ये कैसा है और खाने में कैसा है। देखिए गर्मा गर्म मैंने सूप तैयार कर दिया है और काफी टेम्पटिंग है। आप भी इस सूप को अपने घर पे ट्राई कीजिए और साथ में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए। बाय बाय।